जी जय माँ बगलम की। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे माँ अभी तक गाड़ी में, मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ काम करते हुए ही पहुँचती रहती हूँ। देखिए जो बात मैंने कही वो बात हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी ने भी कहा कि मनोज भाई को बोला है उपोषण करने में मतलब नहीं, अपने अपने शरीर का त्याग करके सामने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में निवड़ूक होके मतलब उसमें लोकसभा का चुनाव लड़के जीतने में भलाई है, हारे तो हारे लेकिन एक बार लड़ेंगे तो सही, और कैसे हारेंगे, पूरी पब्लिक एक साथ है। तो मैं भी यही कहती हूँ अपने सारे जय भीम भाइयों को कि दीपक केदार जी को भी कहा है कि आप सब लोग जितने भी हो सके अपने जय भीम समाज के लोग ये सब सबके सब इलेक्शन में खड़े हो, पैसों की चिंता मत करो। जिनको मैं जानती हूँ खास के पैसे की ताकत तो मैं लगूंगी, मैं मनोज भाई को भी बोलूँगी आप खड़े होइए, जो भी लगेगा मैं पीछे से खड़ी हूँ, जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगी। दीपक जी को भी मैंने कहा है, दीपक केदार जी को भी, कि इलेक्शन में खड़े होइए, लड़िए, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ पीछे से। भले एक बार हारेंगे तो हारेंगे लेकिन ये तो है कि लड़के हारेंगे, इन लोगों को मुंह दिखा के हारेंगे, और मैं खड़ी हूँ तो हारने का सवाल नहीं उठता है। तो अभी कैसा है ना, अब ये बात ऐसी है कि अभी हमें भी अपने जय भीम समाज को आगे लाना है, क्योंकि अब सब लोग अगर इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें भी अपने आप को आगे करना है। तो मैं सारे अपने जय भीम समाज को बोलूंगी कि लड़ो और लड़के मरेंगे, अब इन लोगों को इन सबको इनकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है, लोकसभा के निवड़ूक में खड़े होइए और जीत का डंका विद्यालय बजाइए। टेंशन मत लीजिए, बस जो जहाँ से भी खड़ा रहेगा वहाँ का मुझे बायोडेटा भेज दीजिए कि वहाँ मैं यहाँ से खड़ा हूँ, हमें जिताने का काम आपका है, बाकी मैं जिता दूंगी, उसका टेंशन मत लो। दीपक जी, दीपक केदार जी ने हमें अपना साथ दिया है तो उनकी जीत तो पक्की है, चाहे कहीं से भी खड़े हो। 99% मैं बोल रही हूँ, 99 क्या 200% बोल रही हूँ, वो जीत के आ जाएंगे। और मनोज भाई को तो बोलूंगी कि अपनी जान मत दो, बल्कि लोकसभा के निवड़ चुनाव का इलेक्शन की तैयारी करो, जीत का डंका आपके चेहरे पे बन चुका है, बस बात जीतने की है, जिताएंगे ही हम। प्रकाश आम्बेडकर जी जो हमारे हैं कह रहे हो बड़ी बात है, आज की तारीख में वो पिता समान है हमारे, उनकी बात पत्थर की लकीर होती है तो हमें उनकी बात तो माननी चाहिए ना। तो बस अब इसी लड़ाई में लड़ना है कि अब हमें अपने समाज के लिए लड़ना है, सबके लिए बहुत लड़ चुके हैं, अब हमें अपने समाज के लिए लड़ना है, ठीक है ना। जय माता दी।